दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी माया नगरी है जहां फिल्मों में काम करने के दौरान कब कोई स्टार एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हैरानगी वाला किस्सा हुआ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के 3 सुपरस्टार्स के साथ जो कि एक समय एक ही अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 3 अभिनेता कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और 2.5 किलो का हाथ रखने वाले सनी देओल हैं, जो कि एक समय एक ही अभिनेत्री के प्यार में पागल थे। लेकिन उस अभिनेत्री ने इन 3 अभिनेताओं में से किसी को भी अपना हमसफर नहीं चुना। तो कौन सी है वो अभिनेत्री जिनके प्यार में पागल थे ये 3 ही अभिनेता, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उसी अभिनेत्री से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दमदार एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन और 2.5 किलो का हाथ रखने वाले अभिनेता सनी देओल जिस अभिनेत्री के प्यार में पागल थे वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन थी। जी हाँ, रवीना टंडन, जिनके साथ इन 3 अभिनेताओं का लिंकअप काफी सुर्खियों में बना हुआ था। सबसे पहले बात करें सनी देओल की। इस लिस्ट में बॉलीवुड में 2.5 किलो का हाथ रखने वाले अभिनेता सनी देओल का नाम सबसे पहले शुमार है, जो कि एक समय रवीना टंडन के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। जी हाँ, आपको बता दें वैसे तो दोनों ने कई सारी फिल्मों में काम किया था लेकिन इनका प्यार परवान चढ़ा था इम्तिहान फिल्म के दौरान, जहाँ फिल्म में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और डेट करने लगे थे। पर इन दोनों का प्यार कुछ ही दिनों का मेहमान निकला। जब रवीना को पता चला कि सनी देओल पहले से ही शादीशुदा हैं तो इन्होंने सनी देओल से दूरी बना ली। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अभिनेता अजय देवगन और रवीना टंडन के प्रेम कहानी की। बॉलीवुड में सिंघम के नाम से मशहूर अभिनेता अजय देवगन भी इन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं जो रवीना टंडन के बेमिसाल खूबसूरती के आगे झुक गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इनके प्यार की दास्तां गैर फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी, जहाँ फिल्म में रियल केमिस्ट्री शेयर करते करते ये दोनों असल में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। काफी समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। रवीना तो इनके प्यार में इस कदर पागल थी कि वो इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अफसोस दोनों की लाइफ में काजोल ने दस्तक दे दी, जिसकी वजह से अजय देवगन ने रवीना टंडन को धोखा दे दिया और काजोल के साथ साल 1999 में घर बसाकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भी रवीना टंडन के प्यार में एक समय पागल थे। आपको बता दें कि दोनों के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब रवीना टंडन का सनी देओल से ब्रेकअप हुआ था, तो उसी दौरान अक्षय और रवीना टंडन मोहरा फिल्म में काम कर रहे थे, जहाँ फिल्म में सीजलिंग केमिस्ट्री शेयर करते करते दोनों को एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो गया था, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी मन बना लिया था। पर खिलाड़ी कुमार तो ठहरे प्लेबॉय, जिनका दिल आए दिन किसी न किसी अभिनेत्री पर फिसल ही जाता था, इसलिए उस समय रवीना के साथ इनका दिल शिल्पा शेट्टी पर भी आ गया था और वो रवीना टंडन के साथ साथ शिल्पा शेट्टी को डेट करने लगे थे, जिसकी भनक रवीना टंडन को पड़ी तो वो अंदर से टूट गई और उन्होंने अक्षय कुमार से ब्रेकअप कर लिया। तो दोस्तों, आपको रवीना टंडन की जोड़ी इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता के साथ अच्छी लगती थी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।